हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। एक सवाल है इनका कि अगर कोई सजदा इस तरह करे कि उसकी पेशानी जमीन पे टिक जाए लेकिन नाक जमीन पे न लगे, तो आपको ये मसला तो इससे पहले भी बताया गया कि नाक की जो सख्त हड्डी है उसकी नोक अगला हिस्सा उसका ज़मीन पे टिकाना ये भी वाजिब है। तो अगर कोई सजदा इस तरह करता है कि नाक का जो की जो सख्त हड्डी है वो ज़मीन पे नहीं टिकाता है, खाली ऊपर ऊपर से लगा देता है या बिल्कुल नहीं लगाता है, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी होगी, लिहाजा इसका भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि नमाज को मकरूह होने से बचाया जाए। वल्लाहु ताला आलम।